हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ फ्लाग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों, भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग को दोस्तों टोटल आप लोग को 1805 पोस्ट देने को मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों, उसका मतलब आपको किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ये ऑल ओवर इंडिया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए इसका ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों 31 जुलाई 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो इसलिए बिना स्किप करके अंत तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देखो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को भी मिलता रहेगा और पूछते रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसमें स्किल जॉब टाइप की बात करेगा तो दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब टाइप है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो इस पर आप लोग को दोस्तों देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1805 पोस्ट देने को मिलने वाला है दोस्तों। जॉब लोकेशन की बात करेगा तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया है, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। पोस्ट नेम आप लोग को देने को मिलेगा दोस्तों, पोस्ट नेम आप लोग को देने को मिलने वाले, ग्राउंड स्टाफ आप लोग को देने को मिलने वाला है दोस्तों। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों www.bharatiyaaviation.in वेबसाइट जाकर आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसका लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों 31 जुलाई 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। जो लोग इंटरेस्टेड थे, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों 31 जुलाई 2023 पहले आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों, इसमें आप लोग को टोटल नाम आपको पोस्ट में आप लोग को क्या क्या मिलने वाले मैं आप लोग को बताता हूं दोस्तों। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ आप लोग को CSE आप लोग को पोस्ट देने को मिलेगा, 1600 पोस्ट देने को मिलेगा एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए। और लीडर हाउसकीपिंग के लिए 742 पोस्ट देने को मिलने वाले दोस्तों। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ मतलब आप लोग को ये एयरपोर्ट की तरफ से आप लोग को पोस्ट लिया जाएगा दोस्तों, एयरपोर्ट के अंदर में आप लोग को पोस्टिंग दिया जाएगा। ये जॉब है दोस्तों, एयरपोर्ट की तरफ ही आया है दोस्तों, एयरपोर्ट डिपार्टमेंट से ही आया है दोस्तों। बात आते हैं दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन दोस्तों, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSE पोस्ट में अगर अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, इंटरमीडिएट मतलब आप लोग को क्लास 12 पास होना जरूरी है दोस्तों। इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, सिंपल क्लास 12 पास होने से भी एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSE पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लीडर लोडर हाउसकीपिंग, लोडर हाउसकीपिंग में अगर पोस्ट में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों क्लास 10 पास होना जरूरी है दोस्तों। देख सकते हो हाई स्कूल मतलब आपको क्लास 10 पास होना जरूरी है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, सिंपल क्लास 10 पास होने से भी ये लोडर हाउसकीपिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बात आती है दोस्तों एज लिमिट, एज लिमिट की बात करेगा तो मिनिमम 18 ईयर से लेकर 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसका साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट के एज हिसाब से, एज सिलेक्शन के हिसाब से आप लोग को एज सिलेक्शन भी मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो पे स्केल, पे स्केल की बात करें तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSE के लिए आप लोग को 15,000 से स्टार्टिंग होगा दोस्तों, 30,000 तक आप लोग को पे स्केल मिलने वाला है दोस्तों। उसका साथ साथ आप लोग को फैसिलिटी, हाउस अलाउंस फी आप लोग को बहुत सारा लेवल आप लोग को देने को मिलने वाला है दोस्तों। आप लोग को पता है दोस्तों एयरपोर्ट में कितना फैसिलिटी होता है, सभी खाना पीना सब फैसिलिटी होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे तो दोस्तों लोडर हाउसकीपिंग पोस्ट के लिए आप लोग को सैलरी की बात करें तो 13,000 से स्टार्टिंग होगा दोस्तों, 20,000 तक आप लोग को पे स्केल मिलने वाला है दोस्तों। उसका साथ साथ आप लोग को प्लस लेवल आप लोग को देने को मिलेगा। बात आती है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों पहले आप लोग को रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग को होगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो दोस्तों एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSE पोस्ट के लिए आप लोग को अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों 430 रुपीज आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। लोडर हाउसकीपिंग पोस्ट में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों 380 रुपीज आप लोग को पेमेंट करना होगा दोस्तों, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। बात आती है दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट की बात करेगा 20 मई 2023 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी लिंक एक्टिव हो चुका है दोस्तों, ये 31 जुलाई 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कैसे करने, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रीमियम फॉर्म तक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आप लोग को मिल जाएगा,
वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो देने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और दूसरा वीडियो देने की भी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। बात आती है दोस्तों अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने से आप लोग को भी बहुत सारा फीचर्स देता है, तो आप लोग को भी देखने को भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इन द गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन भी देने को भी मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।